साल भर का प्रमुख त्यौहार दीपावली सिर पर है और नीमच शहर के बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारियों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। मार्केट में अपेक्षित रौनक नहीं दिखाई दे रही। ग्राहकों की हलचल गायब है। दीपावली के केवल 8 दिन बाकी है और मार्केट ने अब तक चाल नहीं पकड़ी है। नीमच के व्यापार जगत को अपेक्षा थी कि कोरोना के 2 वर्ष बाद इस बार मार्केट बूम पर रहेगा, किंतु बेमौसम बारिश की चौपट हुई फसलों ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। पोस्ता दाना मंडी का बंद होना और लहसुन के गिरे हुए भाव से रही सही कसर पूरी कर दी। ऑनलाइन बिजनेस ने खाज पर खुजली का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट्स, ज्वेलरी, हैंडलूम, कपड़ा, साज सज्जा के सामान और अन्य सभी धंधे ठप पड़े हैं। व्यापारियों का यहां तक कहना है कि इतना ठंडा सीजन हमने पिछले 25 वर्षों में कभी नहीं देखा। 3 मंजिला शोरूम से लेकर सामान्य दुकानदारों एवं ठेले गुमटी वाले सभी के हालत एक समान है। सबसे पहली वजह तो बारिश की वजह से किसान खेत में बिजी हो गया तो वो बाज़ार में आने की उसकी स्थिति है नहीं। वो पहले खेत का काम करेगा, सोयाबीन निकालेगा, जो नष्ट हो गई उसके कारण उसके पास पैसे की कमी रहेगी, तो वो एक कारण ऑनलाइन व्यापार, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ लोगों का रुख हो गया है। वो उसकी क्वालिटी को, उसके परफॉर्मेंस को फील करे बगैर सामान ले रहे हैं, फिर अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, वो उन्हें बाद में मालूम पड़ता है, आज मालूम नहीं पड़ता है। वो 2 कारण है बाज़ार में सन्नाटे के। बिल्कुल ठंडा नहीं, बहुत ठंडा है और कोई बहुत अच्छी उम्मीदें भी नज़र नहीं आ रही है। मुश्किल लगता मुझे तो, दिवाली बाद ज़रूर चलेगा लेकिन दिवाली तक तो कुछ भी नहीं दिखता। पिछले साल से थोड़ा सा कमज़ोर है पर चल रही है, मतलब इतना भी कमज़ोर नहीं कह सकते। पिछले साल से दीपावली थोड़ी सी हल्की सी फीकी है और त्योहारों को देखते हुए बाज़ार के अंदर भी इतनी रौनक नहीं लौटी है। तब भी गिराकी का थोड़ा सा है, मूवमेंट है, पर इतना मूवमेंट नहीं है। बाज़ार में पैसे की कमी, लोगों के पास थोड़ा सा कमज़ोर धन का अभाव और आजकल लोग समय के हिसाब से खरीदी करते हैं। यही है कि किसान अभी आया नहीं है मार्केट में, जैसे जो पहले चलता था मार्केट, जैसे सीजन चलती थी जब मार्केट में उछाल होता था, वैसे उस हिसाब से कोई है नहीं। ऑनलाइन के कारण पूरा मार्केट पिटा गया है और किसान भी आना बहुत कम हो गया है। कारण तो यही मान सकते हैं कि जैसे किसानों के पास पैसा नहीं आ रहा हो या कोई मंडी का बारिश की वजह से नहीं हो, उस हिसाब से नहीं हो पा रहा हो, तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है मार्केट अभी। दिवाली की जो रौनक है मार्केट में, बिल्कुल ठंडी है पड़ी है। इस बार दिवाली थोड़ी बिल्कुल ठंडा मोल है। जो अगले साल जो दिवाली थी तो दिवाली चल रही थी, ये दिवाली बिल्कुल ठंडा पड़े, गिरा के मोल नहीं है। 10 से 12 साल हो गए इस बार बिल्कुल ठंडा बाजार है। अब ठंडा बिल्कुल बाजार है और एक तो ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं उससे ही बाजार है कि पब्लिक बाहर आ रही नहीं है, गिराकी चलती नहीं है, मतलब क्या है, ऑनलाइन से ज़्यादा बाजार हमारा लोगों का पिटा हुआ है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि बाज़ार में मैंने पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा देखा है कि बाज़ार में सन्नाटा है और इसका मेन विशेष रीज़न है ऑनलाइन से लोग परचेसिंग करते हैं, बाज़ार में निकलते नहीं हैं। मंडी इसका दूसरा कारण, मंडी भी है, मंडी के अंदर किसान बिल्कुल परेशान है, किसान की सोयाबीन ख़त्म हो गई, पोस्ता आता नहीं है मंडी के अंदर, मंडी में आव के लहसुन के भाव बिल्कुल मरे हुए हैं, लहसुन प्याज के कारण बाज़ार बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है बाज़ार। मैंने पिछले मेरे अपने व्यापार जीवन में 25 साल में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं कि मेरी दुकान पर ग्राहक, मतलब सन्नाटा छाया हुआ है, मार्केट में ही सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे पास के अंदर घर सजाने का आइटम है, हैंडलूम की हमारी शॉप है, मतलब नवरात्रि से हमारी ग्राहकी प्रारंभ हो जाती है। अब तक तो हमारी 3 ही मंजिल के ऊपर ग्राहक भरे रहते हैं, पर इस बार मालूम नहीं क्या है मार्केट के अंदर। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की ये रिपोर्ट।